हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, अभी मैं आलू गोभी बनाने वाली हूँ। एक बज गया है लंच के लिए, तो इसमें मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डालूंगी, 2 चम्मच। तब तक फ्रेंड्स, ये मैंने धो के रखी है। ये सुबह मैंने गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल के थोड़ा सा हल्का सा इसको बॉईल कर लिया था गोभी को, कि बरसात के टाइम में कीड़े वीड़े होते हैं तो वो निकल जाते हैं। 2 आलू लिए हैं मैंने और थोड़ा सा अदरक लूंगी। एक टुकड़ा अदरक का, जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं इनको कट कर लेती हूँ। छोटे छोटे पीस में करूंगी, बड़े पीस कर दो ना फ्रेंड्स, तो फिर ये गलने में बहुत दिक्कत करते हैं। और मैं पानी डालती नहीं हूँ सूखी सब्जी में। और आप बताइए, कमेंट्स करके बताइएगा मुझे कि आज आप क्या बनाने वाले हैं खाने में, लंच में। देखिए फ्रेंड्स, गोभी को मैंने काट लिया है, गोभी, आलू और अदरक और प्याज और हरी मिर्च ये कट कर लिया है मैंने। अब चलिए छोंकते हैं इसको, सब्जी को। सबसे पहले मैं इसमें जीरा डालूंगी, फिर थोड़ी सी हींग। हींग फ्रेंड्स मैं सब सब्जियों में डालती हूँ। ये थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च, इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। क्या हल्दी पकने में टाइम लगता है, नहीं तो ये कच्ची कच्ची का स्वाद आता है हल्दी का। और नमक डालने से फ्रेंड प्याज जल्दी फ्राई हो जाते हैं। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब मैं ये आलू गोभी और अदरक ये डाल देती हूँ। गैस स्लो कर दूंगी और थोड़ा सा इसको भाप में ही पकने देती हूँ। ये मैंने ढक दिया इसको। एक बार चला लेते हैं इसको बीच में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आलू गोभी फ्राई हो चुकी है अच्छी तरह से। अब इसमें बाकी के मसाले मिक्स करूंगी। मैं देख लेती हूँ पहले आलू गले, गल गए हैं, हाफ हाफ गल चुके हैं। अब फ्रेंड ये फ्राई हो चुकी है अच्छे से। अब मैं इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। मिर्च आप अपने हिसाब से अपने यूज कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा मीडियम ही खाते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी रेडी है आलू गोभी की। मसाले डालने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको और ढक के रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी आलू गोभी की सब्जी एकदम रेडी है, बढ़िया, बहुत खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसको थोड़ी देर इसी कढ़ाई में रहने देती हूँ। जब तक मैं चपाती बनाऊंगी तब तक ये इसमें ही दम लेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।